Assalamu alaikum, dear students, welcome back to our channel MCQS platform. Today we are going to teach you what is the proper use of sum and any, or difference between sum and any. If you don't know, then invest your 2 to 3 minutes and learn this rule number 34. Later on, you may solve all MCQs related to this rule in all competitive exams. So before going to start, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you may get all notifications about 101 golden rules of English grammar. Let us move to learn rule number 34 for today. In English grammar, sum is used in affirmative sentences to express quantity or degree. English grammar में sum का जो इस्तेमाल है वो हमेशा positive sentence जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरीके से any जो होता है वो negative या interrogative sentences में इस्तेमाल होता है। अब इसके हम कुछ examples लेंगे ताकि आपको मज़ीद ये points clear हो सकें। I shall buy some apples। अब देखें, मैं कुछ सेब खरीदूंगा, ठीक है। आई शेल नॉट बाई एनी एप्पल्स, जब नॉट का जिक्र हो गया मतलब नेगेटिविटी शो हो गई, तो हमने क्या कहा था, एनी इस्तेमाल होगा, और इंट्रोगेटिव सवालिया क्वेश्चंस, सवालिया सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स के लिए भी हम एनी इस्तेमाल करेंगे। हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, क्या तुमने एप्पल खरीदे। अब आपके लिए एक एमसीक्यूज़ है जो आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। आई शेल रीड डैश द बुक। अब देखें इसमें क्या लगेगा, एनी लगेगा, सम लगेगा, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस लगेगा। इसके आंसर के लिए मैं आपका वेट करूंगा और मैं ये देखूंगा कि क्या आप इसको लर्न कर सके हैं या नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल नंबर 35 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।